सर मैंने एमकॉम किया हुआ है। काम का रीजन तो यही था कि मेरे को मार्केट को समझना था पहले तो। अच्छा, अगर अपन किसी की नौकरी करेंगे तो ही मार्केट के मालूम कर सकते हैं ना सेल्स के। हे गाइस, गुड इवनिंग, राम राम सर सभी को। खंबा गणी से राजस्थान, मेरा देश, मेरा भारत। तो दोस्तों अभी मैं बताता हूँ पहली बार मैं कहाँ आया हूँ। ये भाई शर्मा रबड़ी फलूदा, शर्मा का आइसक्रीम कुल्फी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, दूध की बोतल, लस्सी स्पेशल। पीछे इनकी हलवाई की दुकान है। ये है काशीराम सर्किल, जो कि अलवर बस स्टैंड से 1 किलोमीटर, और ये स्टेशन जा रहा है भगत सिंह सर्किल के लिए। तो ये है लगभग रेलवे स्टेशन से लगभग 2.5 किलोमीटर। तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो शर्मा जी, आपका नाम क्या है पूरा? सर मेरा मनीष कुमार शर्मा है। मनीष जी, क्या क्या मिलता है आपके यहाँ? सर अपने रबड़ी फलूदा आइसक्रीम स्पेशल, रबड़ी स्पेशल। अच्छा, ये और ये इसमें क्या है? इसके अंदर कुल्फा है, जो पुराने टाइप के लोग अपने पुराने लोग खाते थे ना कुल्फा, जो मलाई वाला बनता था वो। अच्छा, वाला आइसक्रीम है। तो ये आप कब लगाते हो शॉप? सर ये शाम को चालू करते हैं 4 बजे बाद। और रात तक कितने बजे? रात को 10:30-11 बजे तक। तो ये कितने टाइम हो गया आपको लगाते हुए? इसको करीब में तो 25 साल हो गए। 25 साल इसी शॉप पे? इसी शॉप। आप थैली थोड़ी आपने अच्छी बनवा ली है? हाँ, अच्छी बनवा ली है, पहले लकड़ी की थी। लोगों को नजर आने लग गई है। हाँ, तो आपके सबसे ज्यादा क्या बिकता है, क्या स्पेशल है? सर स्पेशल तो रबड़ी, अपना रबड़ी स्पेशल है। रबड़ी स्पेशल है, रबड़ी स्पेशल, और फिर आइसक्रीम। तो ये डेली फ्रेश बनती है? डेली फ्रेश, डेली ताज़ा बनती है। कितनी रबड़ी बना देते हो आप डेली? सर करीब नहीं तो 15-20 किलो रबड़ी पर डे की बनती है, क्योंकि 4 घंटे का टाइम होता है ना बेचने के लिए। इसमें पर उठ जाती है सारी? हाँ, 4 घंटे। कितना फलूदा बना, ये गुल्फा कितना? गुल्फा सर कम से कम एक सेट पूरा बनता है 15 किलो का ये। अच्छा अच्छा, इसको बनाने में कितना टाइम लग जाता है? सर इसको बनाने में 1.5 घंटा लगता है। अच्छा, ये आपको ये जो काम है आपने कहाँ सीखा? सर ये पापा के टाइम से, दादाजी के टाइम से चला आ रहा है। तो आपके पापा दादाजी रहने वाले कहाँ के थे? वो यहीं के अलवर के थे लोकल। अच्छा, उन्होंने किसी और से सीखा होगा? हाँ, उन्होंने किसी और से सीखा होगा। अच्छा अच्छा, तो फिर आपने मतलब आप तीसरी पीढ़ी हो? हाँ, तो ये काम सीखते सीखते ही कर रहे हो। हाँ, ये आपके पीछे दुकान है? हाँ, इस पे हलवाई का, इसका तो इस पे सारा हलवाई का होता है। हाँ, ये सुबह खुल जाती होगी? ये सुबह खोल लेते हैं। तो ये माल कहाँ तैयार होता है? ये गोदाम पे तैयार होता है, घर पे गोदाम बना रखा है, वहाँ तैयार होता है। वहाँ तैयार होता है। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? सर मैंने एमकॉम किया हुआ है। एमकॉम किया हुआ है, एमकॉम, बीकॉम के बाद एमकॉम, पोस्ट ग्रेजुएट, और फिर आपने जॉब करी? हाँ, जॉब करी है ना। कितने साल जॉब करी? सर 4 साल जॉब करी है। मार्केटिंग करी थी मैंने, मार्केट का पहले देखा है क्या चलता है मार्केट में, क्या नहीं चलता। सेल्स मार्केटिंग? सेल्स मार्केटिंग। कौन सी कंपनी में थे? सर IDBI बैंक में काम किया है, ING वेश्या बैंक में काम किया है। तो फिर क्या रीज़न रहा कि आप अपने ही पैतृक काम पे आ गए? सर काम का रीज़न तो यही था कि मेरे को मार्केट को समझना था पहले तो। अच्छा, अगर अपन किसी की नौकरी करेंगे तो ही मार्केट के मालूम कर सकते हैं ना सेल्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, तो पहले मार्केट को समझा, उसके बाद फिर इधर आया। अच्छा, तो मार्केट को समझने के बाद आपने उसके अकॉर्डिंग चीज़ें रखना स्टार्ट किया। हाँ। तो आपके पिताश्री जो दादाश्री, वो सिर्फ वो क्या क्या बेचते थे? वो तो अपने खाली रबड़ी और रसगुल्ले बेचते थे। अच्छा, ये कुल्फा? ये कुल्फा फिर मैंने चालू करवाया है। अच्छा, तो डेली 15 किलो निकल जाता? 15 किलो पर डे निकल जाता। अच्छा, तो रबड़ी, इस पे रबड़ी कैसे दी है आपने? सर रबड़ी 400 रुपये किलो। और ये अपना कुल्फा कैसे? ये भी सेम रेट होता है दोनों, 400 रुपये। वो दूध के प्रोडक्ट है ना दोनों। अच्छा, उसी हिसाब से कोटिंग रहता है। ओके, तो आज कैसा चल रहा है धंधा पानी समझने के बाद? सर मार्केट तो अभी डाउन है, लेकिन फिर भी काम निकल जाता है अपना, बढ़िया काम निकल जाता है। तो भैया एक चीज़ बताओ कि अलवर शहर में बहुत सारे लोग हैं जो रबड़ी बेचते हैं, कुल्फा भी बेचते हैं, रसगुल्ले भी बेचते हैं, हम सिर्फ आपका ही क्यों खाएं? विश्वास के ऊपर खेल चलता है। अच्छा, पहला चीज़ मैं 1 नंबर काम करता हूँ, 1 नंबर क्वालिटी देना पसंद करता हूँ, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ पसंद नहीं करता। तो सिर्फ क्वालिटी की वजह से आपको एक चांस मिलना चाहिए, ताकि फिर लोग बार बार आएंगे। फिर लोग बार बार। थैंक यू सो मच। तो भैया ये थे शर्मा फलूदे वाले, या फिर बोले रबड़ी वाले, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत टेस्टी मिलती हैं। तो एक बार इनको चांस देना बनता है, जिस हिसाब से इन्होंने बोला कि क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट शो में, तब तक के लिए सी यू लेटर गाइस। राम राम सर सभी को। खंबा गणी से राजस्थान, मेरा देश, मेरा भारत। तो आज हमें क्या चखाओगे आप? आप क्या खाना पसंद करोगे बताओ? बताओ आप क्या चखाना चाहते हो? इनको रबड़ी चखाता हूँ मैं आपको। रबड़ी? चलो थोड़ी सी देना, ज़्यादा मत देना। टाइट टाइट रबड़ी, ओके। 85 ग्राम।